हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम वीसीम सिंगल है मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ आज मैं आपको एक पुल बैक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसमें मैं मूविंग एवरेज का यूज़ करता हूँ और उसके साथ साथ मैं एक और इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ट्रेंड रेबल जो मैं क्लियरली बता देता है कि हमें इसमें बाइंग ट्रेड जाना है कि सेलिंग ट्रेड जाना है हम पूरे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे मैं ऐसे में इसमें एंट्री रहता हूँ और इसमें बेस्ट पार्ट यह है कि मेरा जो तो स्टॉप होता है बहुत ही छोटा होता है बट मेरे टारगेट वन टू फोर वन टू फाइव के भी आ जाते हैं तो मैं आपको वो दिखाऊँगा कैसे करते हैं बट आगे, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो लेट स्टार्ट तो, so, तो चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल्स बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी में मैं सबसे पहले मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ एंड मैं दो मूविंग एवरेज उसमें यूज़ करूँगा जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे को एंट्री कब लेनी है बेसिकली हम एक कुलबैक स्ट्रैटेजी है तो जब स्टॉक घूम के वापस मूविंग एवरेज को टच करेगा तभी हम एंट्री लेंगे एंड इसमें मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ जिसका नाम है आपका डॉनचन ट्रेंड रिबन और ये आप देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है अगर आप डॉन ट्रेंड ड्रिबन पे जाएंगे तो उस समय पता चल जाएगा कि हमें बुलिश एंट्री लेनी है कि बेरिश एंट्री लेनी है तो हमारे को केवल दो ही इंडिकेटर्स लगाने हैं और वैसे तो मैं यहाँ पर ट्वेंटी सिक्सटी पर लगा सकता हूँ बट आई कैन ईवन गो फॉर ट्वेंटी फिफ्टी मतलब मूविंग एवरेजेस आप जो भी आपका मन हैं आप वो लगा सकते हैं बहुत क्लोज मत रखिएगा मतलब ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव मत मतलब रख लीजिएगा जनरली ट्वेंटी फिफ्टी और ट्वेंटी सिक्सटी पर आप डेट कर सकते हैं सिमिलरली जो डॉनचन चन ट्रेन ड्रिबन का जो पैरामीटर उसको मैं चेंज नहीं करता हूँ उसको मैं फिफ्टी ही रखता हूँ तो जैसे कि हमें पता है कि मूविंग एवरेज का नॉर्मल नौ, यही होता है कि अगर मूविंग एवरेज जो फास्टर मूविंग एवरेज है वो अगर स्लोअर मूविंग एवरेज के ऊपर होती तो हम बाइंग कर सकते हैं और अगर वो उसके नीचे होती तो सेलिंग कर सकते हैं बट यहाँ पर हम क्या करेंगे हम ट्रेंड रिबन से जो हमारा ट्रेंड रिबन इंडिकेटर है उससे कन्फर्मेशन का वेट करेंगे पहले तो मतलब सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे जो ट्रेंड रिबन बता रहा है और एंट्री लेंगे हम पुल बैक पे जो एंट्री लेंगे हम पुल बैक पे हम ब्रेकआउट पेंटिंग लेंगे हम एक्चुअली पुल बैक पेंटिंग लेंगे क्योंकि काफी बार मैंने देखा कि अगर मैं ब्रेकआउट पेंटिंग लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है बट जब मैं पुल बै पेंटिंग लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है तो ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं पहले मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे दूँ कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे होंगे फिर मैं आपको बुलिश एग्जाम्पल और बेरिश एज्जाम्पल भी दिखा दूंगा यहाँ पर जैसे आप देखें कि नीचे मैंने ट्रेंड रिबन इंडिकेटर लगाया हुआ है जहाँ पर ग्रीन का मतलब है बुलिश सिग्नल और रेड का मतलब है बेरिश सिग्नल दैट्स एट द बॉटम और यहाँ पर मैं आपको हाउ एच डी एफ सी का वो दिखा रहा हूँ ऑन अ वन आवर टाइम फ्रेम और मैंने ट्वेंटी और सिक्सटी का मूविंग एवरेज भी लगा दिया है अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले रहे हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे हम यहाँ पर क्या कहते हैं इस समय ट्रेड नहीं लेंगे वी विल नॉट गो फॉर द एंट्री एयर वी आर लुकिंग फॉर दी पुल बैक और मेरे को मिनिमम दो पुल बैक चाहिए जो कि सपोर्ट लेता है सिक्सटी मूविंग एवरेज पे मतलब अगर ये स्टॉक वापस गिरता है अगर ये नीचे गिरता है और इस लेवल को जैसे इसने एक बार टच किया फॉर दो बार टच किया या फिर अगर आप देखें एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ टच किया तो जैसे ही ये टच कर लेगा मैं यहाँ पर ले लूंगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस और मैं कम से कम वन के ट्रेड के लिए ट्रेड करूंगा मतलब जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ है जब यहाँ पर ये यह ग्रीन दिखा रहा है रेबन दैट्स द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज कि आपका मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी तो बुलिश होना चाहिए तो यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर भी हो चुका है तो वो भी हो गया सेकेंड थिंग बट हम एंट्री नहीं ले रहे अभी क्योंकि हम एंट्री लेंगे केवल पुल बैक पर और पुल बैक पर भी मुझे डबल फुल बैक चाहिए मतलब ये पहला पुल बैक मान लीजिए आप जो सिक्सटी मूविंग एवरेज को टच कर रहा है और ये मेरा सेकेंड पुल बैक है जैसे ही कैंडल क्लोज होगी मैं एंट्री ले लूंगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस और मैं कम से कम मेनो तो टू के ट्रेड के लिए ट्रेड करूँगा इसको सो सिमिलरली फॉर सेलिंग हेयर अगेन फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है कि जो मेरा ट्रेंड ट्रिबन है वो रेड होना चाहिए वंस दिस इज रेड मतलब मैं केवल बेहरिस्ट ट्रेड ही ले सकता हूँ मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो मूविंग एवरेज लॉस ओवर है वो भी हो चुका है मतलब ये भी मुझे बता रहा है कि हाँ हम सेलिंग कर सकते हैं बट अभी हम सेलिंग नहीं करेंगे हम वेट करेंगे दो पुल बैक्स का यहाँ पर पहला पुल बैक आया है जिसने सपोर्ट लिया है सिक्सटी मूविंग एवेज और यहाँ पर दूसरा आया है तो मैं इसके बाद यहाँ पर कहीं एंट्री ले सकता था विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस मे बी दिस कैन बी द स्टॉप लॉस जो स्विंग लो मेरा स्विंग हाई बना एंड मैं कम से कम अगेन वन टू टू या वन टू थ्री के लिए ट्रेड करूंगा और आप देखेंगे काफ़ी आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस तो इस तरीके से मैं इसको ट्रेड करता हूँ आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बुलिश के पहले यहाँ पर मैं आपको जो बुलिश एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ फर्स्ट हम देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रीन मेरा रिबन है मतलब हम बाइंग ट्रेड देख रहे हैं और मेरा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हो गया है मतलब रि सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो गई है अब केवल हमें वेट करना है दो पुल बैक और आप देखेंगे मेरे दोनों पुल बैक आ चुके हैं दिस द फर्स्ट पुल बैक दिस इज द सेकेंड बुलैक मैं कहीं यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज पे कहीं बाइंग कर सकता था विद अ स्विंग एट द स्टॉप लो स्टॉप लॉस एंड आप इजिली देख सकते हैं कि मेरे को वन शू टू का ट्रेड यहाँ पे मिल जाता लेट्स सी वन वोर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम अगेन हम देख रहे हैं कि पूरा जो हमारा रिबन चल रहा है ग्रीन ही चल रहा है तो हमारे को बुलिश एंट्री लेनी हम बेरिश एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पर मेरा क्रॉस भी हो गया है मतलब अगेन अब मैं का सोच रहा हूँ और मुझे अब दो पुल बैग चाहिए मेरा पहला पुल बैग यहाँ आया है मेरा दूसरा पुल बैग यहाँ आया है मतलब मैं यहाँ पर कहीं एंट्री लूंगा विद दिस एज अ स्टॉप लॉस या फिर दिस एज अ स्टॉप लॉस कोई भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकता था मैं और कम से कम वन एस टू टू या वन एस थ्री का से मैं वहाँ पर एग्जिट ले सकता था लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स मैं आपको भारती एयरटेल का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ थर्टी मिनट्स दिस टाइम अगेन पूरा का पूरा ग्रीन कलर चल रहा है तो बुलिश ट्रेड ही लेंगे हम हमारा पुल बैग तो सॉरी क्रॉसोवर भी आ गया तो हमारे दोनों कंडीशन मीट हो गई अब हमारे को दो पुल बैक चाहिए फर्स्ट पुल बैक सेकेंड पुल बैक जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा विद दिस एज स्टॉप लॉस एंड आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से स्टॉक ऊपर गया तो मेजर एम यही है कि अगर हम पुल बैक का वेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा एंड हमारे को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है लेट्स टेक वन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइंग उसके बाद मैं आपको सेलिंग के भी सेलिंग्पल दिखा दूंगा फिर मैं आपको पे भी दिखा दूंगा ये चीज लेट्स सी अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मेरे को रेड चल रहा था इनिशियली रेड था बट उसके बाद मैं ग्रीन टेरेटरी में आ गया था मतलब मेरा बाइंग ट्रेड लेना है और मेरा बुलिश क्रॉस भी हो चुका है एंड आई एम लुकिंग फॉर टू पुल बैक्स फर्स्ट पुल बैक एंड सेकेंड पुल बैक एंड आई एम गेटिंग एन एंट्री एट्रीय विद दिस एज अ स्टॉप लॉस तो आप बार बार देख रहे हैं कि सेम ही सेटअप चल रहा है हमारा और बहुत अच्छे अच्छे हमें ट्रेड मिल पा रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि आप ट्वेंटी सिक्सटी पे ही करें आप इसको ट्वेंटी फिफ्टी पे भी कर सकते हैं इनफैक्ट मैं आपको ट्वेंटी फिफ्टी पे निफ्टी पे करके दिखाऊंगा इसको लेट्स टेक वन और टू एग्जाम्पल्स ऑन बेअरिश एग्जाम्पल्स एंड फिर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ अब ऑब्वियसली हमारे को जो ट्रेंड्स चाहिए रिबन का वो रेड चाहिए सो इट्स ऑलरेडी रेड हेअर एंड आई नीड अ बेअरिश क्रॉस ओवर जो हो चुका है अब मुझे दो पुल बैक चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम एक और दो पुल बैक हो चुके हैं बिकॉज बहुत सारे पुल बैक हैं तो मैं इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे इसने लेवल ब्रेक किया मैं इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस रख सकता था एंड काफ़ी अच्छा था मुझे ये एंट्री मिल जाती

सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटी इस तरीके से मैं इसको ट्रेड करता हूँ आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑन दी ऑन दी चार्ट ऑल्सो मैं यहाँ पर निफ्टी दिखा रहा हूँ आपको लेट मी फर्स्ट शो यू कि जो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स क्या करी हुई है मेरे इंडिकेटर्स क्या है तो अगेन जो पहला नाम है जिस, उसका नाम है डॉनचन ट्रेंड रिबन और इसमें मैं कोई भी इनपुट को चेंज नहीं करता आप इसको ट्वेंटी भी रख सकते हैं फिफ्टी भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू मैं जनरली इसको चेंज नहीं करता हूँ यू कैन कीप इट एज इट इज एंड उसके बाद में उसको आपको 15 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करें अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेजेस भी लगाई हुई है ट्वेंटी एंड फिफ्टी अब लेट्स सी इफ वी गेट सम गुड ट्रेड्स तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे क्या कोई अच्छा ट्रेड बन रहा है हमारा के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो ग्रीन चल रहा है इट्स अ ग्रीन ट्रेंड मतलब हम यहाँ पे बाइंग का सोच रहे हैं और ऑलरेडी जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है मतलब मुझे दो कुल बैक्स का वेट करना है और आप देखेंगे मेरा पहला कुल बैक यहाँ आया मेरा दूसरा पुल बैक यहाँ आ चुका है मतलब मैं एक बुलिश ट्रेड लेने के लिए तैयार हो चुका हूँ एंड अगर हम इस कैंडल जैसे ही इसके बाहर आती लेते मतलब यहाँ पर हम एंट्री लेते तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस होता एंड इट क्यूड हैव गिवन मी अ वेरी गुड प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट वन एस टू फोर या वन ए टू फाइव का मुझे प्रॉफिट मिल जाता जनरली आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है बहुत छोटा होने वाला है इस स्ट्रैटेजी पे लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल आइए एक एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ भी दिख रहा है एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ भी दिख रहा है यहाँ पर अब मुझे सेलिंग का एग्जाम्पल दिख रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा ट्रेंड है वो रेड चल रहा है मतलब एक सेलिंग एंट्री लूंगा मैं और मेरा बेवरेज क्रॉसओवर भी हो गया है बट मेरे को दो पुल बैक वेट करना है ये मेरा पहला पुल बैक है

यहाँ पर मैं आपको फिफ्टीन मिनट्स पर दिखा रहा हूँ यू कैन सी दैट द ट्रेंड इज रेड मतलब हम सेलिंग ट्रेड देखेंगे यहाँ पर आपको दो पुल बैक भी मिल चुके हैं हम जैसे पुल बैक मिल रहा है यहाँ पर कहीं एंट्री ले सकते थे एंड लेट अस सी द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज पॉसिबल विद द स्ट्रेटजी तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता विद दिस एज द स्टॉप लॉस और वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं कि ये आपको ऑलमोस्ट वन इंस टू टू से ज़्यादा का मतलब टू पॉइंट टू एट का आपको ट्रेड दे रहा था ये जनडी मैंने देखा कि वन इंस टू टू बहुत सेफ रहता है आप उसको तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं फायर तो वो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आपके कोई भी कॉमेंट है कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर आपको वो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उसको नीचे फीडबैक फॉर्म में डाल दीजिए मैं पढ़ के देख के और अगर मुझे कोई भी इसमें कन्फर्मेशन देनी तो आपको दे दूँगा आगे बढ़ने से पहले आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड आई सी इन ने द नेक्स्ट वीडियो